आपको लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस वक्त दोस्तों हम उदयपुर शहर में हैं और हम लोग आज यहाँ पे जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं लोग, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उदयपुर शहर में बेरोजगारी का क्या आलम है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले युवाओं के हालात आप सबको दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम वास्तविकता में समाज को देखना जरूरी है कि व्यक्ति रोजगार के लिए क्या कुछ कर रहा है, उसके स्वास्थ्य, उसका शिक्षा, उसका रोजगार, उसका जीवन यापन किस प्रकार का है। तो आज मैं आप सबको उस विषय में आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जहाँ पर भी हम रह रहे हैं उस जगह के हालात किस प्रकार के हैं, और वो सभी हमारी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनेंगे। Today I am going to show you a different kind of a group of daily wages laborers in Udaipur district, in Udaipur city, which is known as a Lakh City। देखिए यहाँ पे दो महिलाएं हैं जो रोजगार के लिए फूल बेच रही हैं, और आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर सुबह सुबह सब्जियों के ठेले लग चुके हैं। लोग अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार से सब्जियाँ बेचकर, ये किशोर हैं जिसकी उम्र 18 साल भी नहीं है, अभी ठेला उठाकर जा रहे हैं। कुछ लेबर्स हैं जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस के काम में लगे हुए हैं। मैं अपने बैक साइड के ग्लास को पीछे की तरफ कर देता हूँ। ये लड़का है जो अभी भी सुबह जॉब के लिए, काम के लिए निकल पड़ा है। कैमरे को डायमेंशन देना थोड़ा सा जरूरी है, फोन का मूवमेंट कुछ ज्यादा होता है, उस वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। देखिए चाय नाश्ते के स्टॉल खुल चुके हैं, और यहाँ पे एक भाई ने अपने चाय का स्टॉल खोल लिया है। एक युवा है जो छड़ी की तैयारी कर रहे हैं, और एक महिला है जो सुबह सुबह एक रोजगार की तलाश में निकल चुकी है। उदयपुर शहर में डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। ये वो युवाओं का झुंड है जो नौकरी पाने के लालसा लिए अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कोचिंग में, शायद वो कोचिंग नहीं हो ऐसा लगता हुआ, ये कार जो मुड़ गई है वो लक्ष्य क्लासेस में किसी टीचर की लगती है। ये कुछ बच्चे हैं जो कोचिंग के सामने खड़े हैं, कोचिंग की प्रिपरेशन के हिसाब से आए हुए हैं। सो माइन्यूटली जब आप सोसाइटी को देखते हैं, समाज को बारीकी से देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तब आपको इस समाज के कई एंगल्स दिखाई देते हैं। हम उसको सोशली देखें, रिलीजियसली देखें, इकोनॉमिकली देखें, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोग हैं जो बस भागे जा रहे हैं तेज रफ्तार में, ताकि वो अपने कार्यस्थल पर शीघ्र ही पहुंच जाए, अन्यथा उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। और ऐसा अक्सर होता है। मैं अपनी बाइक की रफ्तार थोड़ी सी धीमी कर लेता हूं, इसलिए कि कैप्चर बहुत फट रहा है। ये भाई है जो अपना टिफिन लेकर आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि रोजगार के लिए बहुत जरूरी है। आप दिन भर बाहर खाना नहीं खा सकते, नाश्ता नहीं कर सकते, तो घर से खाना बनाकर लेके जाते हैं। उदयपुर शहर में भी पॉल्यूशन बहुत है, इस कार से धुआं बहुत निकल रहा है। अभी मैं एक ओमनी को फॉलो कर रहा हूँ, ओमनी में से भी धुआं बहुत निकल रहा है। जिस प्रकार पाकिस्तान का लाहौर शहर प्रदूषण का शिकार है, उसी प्रकार उदयपुर शहर भी धीरे धीरे प्रदूषण का शिकार हो सकता है। और इस वक्त मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाना चाहता हूँ दोस्तों, जहाँ पर उदयपुर शहर में दिहाड़ी मजदूर अक्सर ज्यादा देखने को मिलेंगे,
मैं एक पुलिया से गुजर रहा हूँ और मेरे साथ में बहुत सारे लोग और भी ट्रेवल कर रहे हैं, वो भी अपने अपने कार्यस्थल पर पहुँचना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ समय निकाल कर आपको उदयपुर शहर का जीवन शैली, आम जीवन शैली जिस पर अक्सर कोई बात नहीं की जाती है, उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ में मैंने अपना मोबाइल कैमरा स्टैंड पर लगा दिया है, मोबाइल स्टैंड पर लगाया है ताकि मुझे ट्रैवलिंग में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। पुलिस के जवान सुबह सुबह ही अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और लोग बाग हैं जो यहाँ पे आ चुके हैं, कई लोग हैं जो यात्रा जाना चाहते हैं, कई लोग हैं जो जॉब की तलाश में निकल चुके हैं। देखिए ये लोगों का जीवन शैली है। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए निकल चुके हैं, बच्चे हैं अपने घर से तो ऑटो में बैठ कर ट्रेवल करते हैं, उनके लिए सुरक्षा के कई मानक ध्यान में रखे जाने चाहिए होते हैं, लेकिन कितने कुछ फॉलो होते हैं। और दुर्घटनाओं में भारत पीछे नहीं है, दुनिया भर में होने वाली दुर्घटनाओं में भारत का बहुत बड़ा स्थान है। ऐसे में हम अपने देश को दुर्घटनाओं से मुक्त कैसे कर सकते हैं, इस पर भी सोचना पड़ेगा। लोग बाइक पर वैसे उधर जयपुर शहर में बहुत अच्छा एक इसका मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन उदयपुर में ये व्यवस्था थोड़ी चरमरा जाती है। पुलिस के जवान कुछ दिनों के लिए साप्ताहिक रूप से ऐसा कुछ करते हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि परिवहन व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था बरकरार रहे। मैं जिस जगह से होकर गुजर रहा हूं दोस्तों, ये 4000 वर्ष पुरानी प्राचीन आहट की सभ्यता के सामने से होकर गुजर रहा हूं, आहट संग्रहालय के सामने से। लेकिन दोस्तों मैं इस वक्त आपको लेके जाना चाहता हूं एक ऐसी जगह से जो बहुत पॉपुलर है और गेटोर की लिंची की जो यहाँ राजा महाराजाओं की जितने भी समाधि बनी हुई है उस जगह के पास में से लेके जाना चाहता हूँ। ये महासत्याजी एकलिंग जी ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है। यहाँ उदयपुर मेवाड़ की जो भी राजा महाराजा हुए बड़े बड़े, उन सबके अमर सिंह के बाद वाले राजाओं का यहाँ पर समाधि स्थल बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये इस तरफ आप देखेंगे तो आपको पूरा नज़ारा दिखेगा। मैंने इस वक्त मैं एक ऐसे चौराहे पर पहुँच चुका हूँ जहाँ जो काम की तलाश में अक्सर खड़े रहते हैं, और मैं आपको दिखा पाऊंगा कि यहाँ पे देखिए किस प्रकार से युवाओं के झुंड खड़े हैं। ये सामने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से लोग मशक्कत करते हैं काम के लिए, और दिहाड़ी मजदूर जिनको बोलते हैं अक्सर वो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। डेली बेसिस के बेसिस पे रोज़ाना यहीं पर आना होता है। ये रोड अभी भी सही नहीं हुआ है कंक्रीट की वजह से, या रोड की हालत बहुत ख़राब है और काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ का काम अटका हुआ पड़ा है। उदयपुर शहर का ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी का मार्ग है जहाँ लोग दूर दराज से उदयपुर शहर में पढ़ने के लिए आते हैं, और मैं आप सबको इन दिहाड़ी मजदूरों के बारे में बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार अपने जीवनचर्या के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और सब जॉब के इंतज़ार में है। तो बेरोजगारी का आलम हमारे देश में कुछ ऐसा है दोस्तों कि लोग घंटों भर यहाँ तक इंतज़ार करते हैं, खड़े रहते हैं और काम की तलाश में आते हैं, और ये एक ऐसा जरिया है जो लोग काम की तलाश में यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए आप
सब लोग मेरी तरफ भी इंतजार की तरफ देख रहे हैं कि कोई काम शायद कुछ मिल जाए। मैं उनके आसपास जाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं किस तरह के हालात हैं। और इन सबके बीच में जाना मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि कोई ना कोई काम की तलाश में आए हैं, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि किस तरह से जॉब की जो बेरोजगारी का आलम है उस प्रकार हमारे युवा साथी सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोग जॉब की तलाश में ही हैं। हम लोग आज उनसे बातचीत करेंगे। प्रभुलाल बिल, प्रभुलाल जी आप कितनी दूर से आते हैं यहाँ? मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर के आता हूँ। 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, यहाँ पे कितनी देर तक खड़े रहते हैं? यहाँ 11-12 बजे तक खड़े रहता हूँ। 11-12 बजे काम कुछ मिलता है कि नहीं? कभी मिलता, कभी मिलता भी नहीं है। कितना मिल जाता दिन भर में आपको? अरे 500 रुपये कुल्ली मिलते, उसमें 200-300 देते हैं सब। ये आने जाने का कितना खर्च होता है? 100 रुपये किराया, 100 जाने का, 100 आने का। घर पर कितना लेके जाते हैं? क्या लेके जाते हैं, 100-150 रुपये बचते। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 6 सदस्य। और उनके वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे तो पढ़ाई तो कर रहे हैं। क्या आप सक्षम हैं उनको पढ़ाई करवाने में? अबे सरकारी स्कूल में बंटिया साहब है। आपके खाने पीने का कैसे रहता है शहर में जब आते हैं? अरे शहर में तो इंदिरा रसोई यार, वो 10 रुपया 8 रुपया खाना मतलब उठा खा ला। इंदिरा रसोई में हाँ, सभी लोग इंदिरा रसोई में अलग अलग जाते हैं। चलो तुम्हारे बोल लो। लोकर जी, आप कहाँ से आते हो? हम आते हैं 60 किलोमीटर दूर भिंडर से। भिंडर से आते हो? हाँ जी। कैसे आते हो? बस से आते हैं। बस से आते हो? कितना किराया लग जाता आने जाने का? 60 रुपये। खाने का कितना कुछ खर्च हो जाता है आपका? खाने का तो वहाँ से 100 रुपये लेके आते हैं, 40 रुपये को खर्चा हो जाता है। आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं? हमारे परिवार में 5। 5 मेंबर्स? 3 छोरे हैं, हम दोनों हैं लोग। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चा एक पढ़ाई कर रहा है, दूसरे बस ऐसे ही घूम रहे हैं। बेरोजगार? हाँ नहीं तो भाई आप देखिए कि देश में बेरोजगारी का आलम बहुत, आप लोग यहाँ पर घंटों खड़े रहते हैं और मैंने आपको कई बार देखा है, एक बार नहीं देखा है, हर बार सोचता हूँ कि कभी आपसे मिलूँ, आपसे इंटरव्यू करूँ, बातचीत करूँ। ये हमारे भाई सभी लोग यहाँ पर, ये बेरोजगारी का आलम है हमारे देश में। जॉब की तलाश में युवा निकल चुका है अपने घर से, बड़े सपने लेकर, काम नहीं मिल रहा सर, खड़े काम नहीं मिलता है, क्या करें, बेबस है। हाँ जी, देखी नहीं जाती है नहीं, नहीं, सही बात है। देश में एक ऐसा माहौल नैरेटिव बनाया जाता है कि लोग बेरोजगार बहुत है, रेट भी कम देते। भगवती लाल, मेरी 60 साल की उम्र हो गई। 60 साल से ऊपर हो गया? हाँ 60 साल। मैं भोपाल सागर से आते हैं। हाँ हाँ, उधर उसके पास में ये थोड़ा इधर जाओ, इधर जाओ, उदयपुर आओ, बहुत दोनों बराबर पड़ते हैं, बीच में है। हमारे कभी मिलता ही नहीं, अभी गए शनिवार को काम मिला ही नहीं, 100 रुपये का मिला, क्या 50 रुपये का खाना हो गया ना। किस टाइप का काम आप कर लेते हो? मजदूरी का काम करते हैं, मतलब ये चुनाई का काम, हेल्प मिस्त्री के साथ में मसाला बना के देना है, गिट्टी का काम है। भाई मतलब देखो, गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्टेशन सरकार से, जो सरकार आपको शासित करती है, हाँ, आपके ऊपर राज करती है, उनसे कोई उम्मीद रखते हो क्या? अरे उम्मीद रखा, बना लो फार्म भर लो, ये नहीं मिल ही नहीं रहा पैसा कहीं। हाँ मतलब आपकी हेल्थ वगैरह ठीक रहती है? हाँ हेल्थ तो ठीक है, अभी कमजोर पड़ गया पहले। इधर सक्षम नहीं होता, मेडिकल से लेते हैं क्या? अरे मुफ्त इलाज नहीं, अरे वो अरे नहीं मिलता है, सही नहीं मिलता है कहीं कहीं। हाँ नहीं होता है क्या, सही बात। सरकारी हॉस्पिटल में गया था, मगर इलाज सही नहीं होता वहाँ पे। सही नहीं मतलब कैसे? मतलब ये बोलते हैं इलाज कर देंगे और बाकी बोलते हैं कि पैसा नहीं लगेगा आपका, बाद में बोलते हैं पैसा देना पड़ेगा तो इलाज होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं हूँ। आप सिटी में किस टाइप का काम ढूंढ रहे हो जयपुर शहर में? मैं तो अभी फिलहाल 10-15 दिन से आया हूँ, जो मजदूरी का काम करता हूँ।
मैं सब कर लेता हूँ, प्लास्टर कर लेता हूँ, फर्शी लगा देता हूँ, चुड़ाई कर लेता हूँ। दिन में आप एक ही जगह काम कर पाते हैं या कोई अलग अलग जगह? नहीं, आज दूसरी जगह गए, कल दूसरी जगह गए, इस तरह से ढूंढना पड़ता है। आपकी सुरक्षा के लिए कोई यूनियन ऐसा कुछ बता? नहीं, यूनियन नहीं सर, वो यूनियन कुछ नहीं है, वो यूनियन पहले वाला यूनियन हो बाबूलाल जी, वो सर वो मतलब पहले वाला यूनियन हुआ, लेकिन बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, आप कहाँ से आते हैं? मैं अपने छह से। हाँ जी। और आप किस काम की तलाश में आते हो? मैं आता हूँ सर, वो क्या है, मैं या मतलब कारखाना काम करता हूँ, छोटा मोटा काम करता हूँ, और या मिस्त्री भी काम करता हूँ सर। इंश्योरेंस के लिए कुछ काम होता है आपके? नहीं सर, कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं सर, छोटे मोटे काम करते सर। है बॉडी का तो सर वो 400 या 500। ज्यादा ज्यादा मतलब 300 बच जाते हैं, 200 घर में खर्चा हो जाता है। मतलब वाइन वगैरह भी चलती है? नहीं सर, वो तो थोड़ा बहुत चलता है, शाम को चलता है। ज्यादा 100 रुपये चलता है सर शाम। हाँ नहीं सर, नहीं कहने का बिल्कुल साफ है सर। हाँ नहीं नहीं सही बात है, यह बस शाम को। ओके सर। लक्ष्मण खराड़ी फलाचे जी, 100 किलोमीटर दूर है सर। आते नहीं हम, यहाँ रहते हैं, 8-10 दिन मजदूरी करके जाते हैं सर, मजदूरी करके जाते हैं सर, 8-10 दिन। हमारा किराया ज्यादा लगता है सर, 200 रुपये तो हमारा डेली पकड़ता है, 100 रुपये किराया लगता है। घर पे क्या बसता क्या है, 8-10 दिन मजदूरी करके जाते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, इधर भी रुकते हैं। भाई देखिए कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जी सर, सबका दावा है कि हम देश का विकास कर रहे हैं सर। हम मैं आप लोगों को जब भी देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, और मैं आपके बीच में इसीलिए आया हूं। वास्तव में आपको क्या लगता है कि कुछ विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, डेवलपमेंट पहुंचा है क्या? हो रहा है सर, हो रहा है, पहुंचा है क्या? नहीं हो रहा है तो आप ऐसे यहाँ कैसे खड़े हो? नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। कैसे लगता है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे 4-5 दिन हो गए, मैं खुद भी बैठा हुआ हूँ 5 दिनों से। नहीं आने तो मेरे को बहुत लंबे समय से आ रहा हूँ, बाकी अभी भी मेरे को 5 दिन हो गए हैं, यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं मिला। क्या उम्मीद कर?